तो चलिए अगला मुकाबला वर्सेस एटीआर मेजर्स। तो टॉस जीता है विनय टीम के कप्तान ने और गेंदबाजी यानी फील्डिंग का फैसला किया है। चलिए दुनिया रोशनी का जबरदस्त मुकाबला लगलमाता हुआ माहौल लाल मट्टी है और खास करके दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश से आपके अतिरिक्त खिलाड़ी यानी आप एक्स्ट्रा प्लेयर जो है कृपया कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। मैंने एक के एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुके हैं। एटीआर मेजर टीम के मुखिया से मेरी गुजारिश है आपके एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। जब खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रदर्शन करता है तो उस खिलाड़ी का नाम पता हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए टॉस जीता मैंने टीम के कप्तान ने और पहली मरतबा फील्डिंग करने का फैसला का निमंत्रण दिया है एटीआर मेजर टीम के खिलाड़ियों को। चार ओवर का मुकाबला फटाफट क्रिकेट का एक रोमांच भरा माहौल। यूडीसीएल यूनिटी बॉक्स क्रिकेट लीग पहले मैच शुरू कर दीजिए प्लीज, टाइम पास मत कीजिए। आज हमें लगभग 12 मैचेस खिलवाने हैं तो खिलाड़ियों से मेरी यही गुजारिश है समय पर मैच शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी। चार ओवर का मुकाबला पहली गेंद गेंदबाजी पर आ चुकी है। लकी दाहिनियत से ग्राउंड होके ट्रैक पर है वसल जबकि लॉन्च ट्रैक पर है तेजस। ये आरंभिक गेंदबाजी छोड़ी मैडम जनता जनार्दन से गुजारिश से कमेंट बॉक्स के जो सामने दर्शक है कृपया करके थोड़ा सा दूर रखिए क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इतना कष्ट मत लीजिए, अगर आपके पास समय कम है तो आप मोबाइल में भी देख सकते हो। टीम के खाते में जाता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बगैर किसी नुकसान के थोड़ा सा तमाम यहाँ पर विनय के गेंदबाज के ऊपर टॉस जीतने के बाद पहली मरतबा टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला। अच्छी शुरुआत बल्लेबाज वसंत की तरफ से जबकि लॉन्ग स्ट्राइक पर अगर देखा जाए तेजस अभी भी क्लीन पर है। इस्तेमाल किया था यहाँ पर खराब विकेट कीपिंग का मौका था लेकिन भाग्य के साथ ये बल्लेबाज वसंत का एक अच्छा मौका था विकेट कीपिंग का करने का लेकिन भाग्यशाली ने बल्लेबाज वसंत नॉट आउट करा नहीं दिया। गेंद थोड़ी सी हाथ से फिसल गई लकी दीपा मत मिले भाई बहुत बढ़िया। क्रिकेट में यही होता है कि आपकी नजरें जो है बिल्कुल चील की तरह होनी चाहिए। निश्चित रूप से विनय गेट के कप्तान यहाँ पर सोच पड़ गए होंगे कि क्या उन्होंने जो फैसला लिया गेंदबाजी करवाने का फैसला थोड़ा सा गलत साबित होता हो दिख रहा है क्योंकि चार ओवर के मुकाबले में आपके गेंदबाज
साल पहले तीन गेंदों में 9 रन देते जिसमें से एक अतिरिक्त रन आ चुका है दबाव बढ़ता है। बायास से ओवर धोके गेंदबाज जी डाल रहे हैं मुकम्मल किया, स्कोर पहुंचा है 10 रन। तारीफ करनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की, बिल्कुल शॉर्ट विकेट के रिजल्ट में खेल गई थी, बढ़िया फील्डिंग कर रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने फील्डर के आंखों में चकमा दे दिया और एक रन पूरा कर दिया। दो गेंदे अभी के शेष बचे, इनका फिर से करने का इस्तेमाल किया जाता है, गेंद मिडल की दिशा में चली गई है, एक रन मिलेगा, एक रन के स्कोर पहुंचा है 11 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है एटीआर क्लोजर टीम का 11 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर का ये आखिरी गेंद हल्का सा स्विंग करवाने का प्रयास करवाने के बाद लकी सफलता नहीं मिल पा रही, इंसान एज लगा है बल्ले का, एक ही रन मिलेगा, दो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर की तरफ से, दो बॉल का इशारा, 13 रन बन चुके हैं, एक रन बल्लेबाजों ने पूरा किया, एक नो बॉल के रूप में रन मिला। अंडर क्रिकेट यही है, आपको नजरे अगर तेज रहेंगे तब आप जाके आपका क्रिकेट अच्छा हो जाएगा, अन्यथा भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। स्कोर पहुंचा है 13 रन अभी भी आखिरी गेंद बची इस ओवर की। गेंदबाज लकी अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से आरंभिक गेंदबाज के रूप में आ चुके हैं, समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मरतबा बल्लेबाजी करवाते हुए एटीआर मेजर टीम का स्कोर होना है बगैर किसी नुकसान के 14 रन। अच्छी शुरुआत, अब यहाँ पर गेम के कप्तान जो कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था, नंबर 2 पर इस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे, जबकि 14 रनों की साझेदारी अब तक में पहले विकेट के लिए बन चुकी है वसंत और तेजस के बीच में, अच्छा कम्युनिकेशन दोनों के बीच। अब नए गेंदबाज है सूजन, गेंदबाज ने तब्दीली की अवसर से बाहर लेकिन गेंद बिल्कुल ऑप्शन से काफी बाहर निकल रही है, ये सही है। रनों की साझेदारी शायद बल्लेबाज और बयान ढीले ब्रेक कर दिया, क्योंकि गेंदबाज अगर गेंदबाजी में तैयार तो था, लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं था तो ढीले ब्रेक दे दिया है। सबसे बाहर गया तब से थोड़ा सी बाहर डॉटवर है शायद, पंच परमेश्वर यदि पहुंच जा जाएंगे क्या डॉट बॉल है या फिर रन मिलेंगे, डॉट बॉल बहुत मुश्किल हो जाता है इस समय, एक डॉट बॉल निकल जाता है तो क्योंकि क्रिकेट में अक्सर यही देखने को मिलता है आप जितने डॉट गेंदे डालोगे उतना ही आपका आपका लड़ा जो है भारी हो जाएगा। अंदर की तरफ थी, एक बात की नसीहत मांग रहे हैं और फील्डर भी ये बता रहे हैं कि गेंद थोड़ी सी अंदर थी, लेकिन अंपायर की तारीफ करना चाहूंगा, सटीक निर्णय यकीन होगा। चार गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें शेष बची इस ओवर की, बढ़िया गेंदबाजी डालते हुए गेंदबाज, एक ही रन मिलेगा 21 विदाउट लॉस, यानी 21 रन बगैर किसी नुकसान के। अब तक दोनों बल्लेबाजों ने 21 रनों की साझेदारी बनाई है और किसी भी गेंदबाज ने इस साझेदारी तोड़ने में अब तक कामयाबी हासिल नहीं की है। चलिए यकीन होगी भगत जी, सलाह मशवरा कीजिए, मैच को शुरू करवा दीजिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ चलना सीखिए, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है।
देखिए अंपायर का फैसला जो भी होगा वो अंतिम फैसला होगा। क्रिकेट की गरिमा ये होती है खिलाड़ियों को अंपायर की इज्जत करनी चाहिए, अंपायर चाहे सही फैसला दे या गलत दे, लेकिन फिर भी अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होता है। खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है अंपायर से आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होता है। स्कोर बना है 21, 21 रन बगैर किसी क्षति के। नेक्स्ट मैच है सीएसके अमेंदर नहमा सिंह, दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस ले आ जाइए। नेक्स्ट मैच सीएसके अमेंदर नहमा सिंह, केटीआर मेजर भाई बिल्कुल भगत जी, ये नहीं बोल जी, ये क्या चल रहा है भाई, समय के साथ चलिए। संयम को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिकेट जब आप खेलते हो, तो क्रिकेट की भाषाओं का भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके पास आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में दुविधा है, तो आप सबसे पहले डिस्कस करवा दीजिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। देखिए क्या तीसरे अंपायर की मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अंपायर जो है अब तक बढ़िया डिसीजन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि यदि मोड़ से थोड़ी सी गलती हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भगत उनका सहयोग दे रहे हैं। समर्थक थोड़ा सा पीछे केटीआर समर्थक, स्कोर बना है 21 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी भी स्कोर की आखिरी गेंद बची जिस ओवर की, अभी भी आखिरी गेंद बची है। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 21 रन बन चुके 21 विदाउट लॉस। चलिए 11 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी आखिरी गेंद जानी बाकी है। गेंदबाज सूजन अब तक बढ़िया गेंदबाजी कर चुके हैं, विकेट नहीं मिला लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी डाल रहे हैं। इस ओवर का ये आखिरी गेंद बाया से ओवर तो थे, इस बार फिर से वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन मिलेंगे प्लस 23। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 24, यानी 24 रन बगैर किसी नुकसान के। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 12 गेंदों में अगर प्रति ओवर 12 रन आ जाते हैं तो स्कोर जो है वो 48 के करीब चला जाएगा, लेकिन 8 विकेट हाथ में है। उस अंदाज में देखा जाए यहाँ से 55 या 60 रन बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा, इस तरीके से बल्लेबाजी वसंत और तेजस कर रहे हैं। पहले विकेट के लिए 24 रनों की साझेदारी बन चुकी है, प्रति ओवर का 12 का रिकेट चल रहा है। अब यहाँ से विकेट गेंदबाजी में तब्दीली करते हैं तो किस गेंदबाज को लाते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन पर गेंदबाजी करके गेंदबाज वीर और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर पहली गेंद विदाउट की दिशा में मारने का प्रयास, डॉट बॉल का इशारा, बल्लेबाज वसंत इस गेंद को सही तकनीक से नहीं खेल पाए, इसी कारण गेंद से डॉट
चार गेंदे के और बचे हुए हैं, आपको चार गेंदे में कम से कम 8 या 10 रन बनाने का प्रयास करना होगा। अमित कारगर गेंदबाज साबित होते हैं। आपके चैलेंज रहे पहले बात अयप्पा, अच्छा आउट का मौका था लेकिन गेंद ने किनारा लगने के बाद उसे ऊपर का चप्पा दे दिया। एक रन मिलेगा 39 एक रन एक विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया है रमेश, दो खेले अभी भी बचे हुए हैं इस ओवर के। 39 केवल एक रन आ चुका है, केवल एक रन आ चुका है। खाते में जाता हुआ 40 रन, कैच पकड़ा जाएगा लेकिन दो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। प्लस वन कोहली ने चार जगह चले गए 42 लॉस टू वन विकेट 42 रन दो विकेट के नुकसान पर। हमें दो बॉल दो फोर रहेगा 50 होगा एक्स्ट्रा आगे भी दो गेंदे बची है। 43 लॉस टू वन विकेट, आखिरी गेंद इस ओवर का कोशिश कर रहे लेकिन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को मैदान के बाहर। ओवर की होगी ये समाप्ति, तो चार ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर और 45 रनों का यानी 45 रनों का टारगेट है। तो नेक्स्ट मैच टॉस की बात में आ जाइए, सीएसके अगेंस्ट नेमार 8 दोनों टीम के कैप्टन से मेरे रिक्वेस्ट है टॉस के बॉक्स में जाइए और टॉस करवा लीजिए प्लीज। सन्मान्य विक्रम शर्मा से मेरी गुजारिश है कि टॉस करवा दीजिए। सीएसके
against Naiman Singh. चले नेक्स्ट मैच सी एस के अगेंस्ट नईमास एक टारगेट है 45 45 रनों का टारगेट है 24 गेंदों में आपको बनाने हैं प्रति ओवर में 11.25 का रनडेट है अंडर क्रिकेट में कोई भी टारगेट बड़ा नहीं होता है क्योंकि अंडर क्रिकेट बड़ा अनोखा क्रिकेट होता है वो फटाफट क्रिकेट कहा जाता है जिसका क्रिकेट को सम्मानीय स्वप्निल गायकवाड़ इनका आगमन हो चुका है यूबीसीएल क्रिकेट लीग के माध्यम से उनका तहे दिल से स्वागत 45 44 रन बनाए 45 रनों का टारगेट तो चलिए मैच शुरू करवा दीजिए यतीन डोर जी मिंकी भगत जी 24 गेंदों में चलिए 45 रन दोनों आरंभिक बल्लेबाज आ चुके स्ट्राइक पर है वीरू जबकि नॉन स्ट्राइक पर है अमित गेंदबाजी में हरिभाई महाड़िक ये बहुत ही तजुर्बेदार और बहुत ही अनुभवी गेंदबाज फिरकी के जादूगर इस गेंदबाज को माना जाता है पहली गेंद से ओवर जैसे हमने हरिभाई की थोड़ी सी तारीफ की गेंद को दिखाई दी थी अधिक रंस ने टीम का खाता खोल दिया है इस ओवर की पहले गेंद फिर से स्टंप से बाहर बैक टू बैक दूसरी वाइड बॉल हरिभाई महाड़िक को पकड़ना चाहिए वैसे भी बल्लेबाजों ने इतना बड़ा स्कोर तो खड़ा नहीं किया है आपको लगभग 11 के औसत का रन बनाने हैं विरोधी टीम को तो ऐसे हालात में वाइड बॉल जो है उन पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए कमाल की गेंदबाजी दो गेंदे वाइड फेंकने के बाद तीसरी गेंद हमने देखी हल्का सा टोन मिला गेंद को नीचे रखवा रहे बल्लेबाज वीरू चकमा खा बैठे बिल्कुल पैरों में गेंद लगी डॉट बॉल का इशारा जब आपको सही टप्पा मिलता है आपकी गेंद में सही कलाई रहती है तो बल्लेबाज को दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर कर देते हैं दो गेंदे डॉट दो एक्स्ट्रा के रूप में बहुत बढ़िया गेंद लेकिन इस बार फिर शुरुआत करना चाहिए तीन अधिक रन आ चुके हैं लेकिन तीनों के तीनों अधिक रन आ चुके हैं दो गेंदे डॉट निकली अभी भी चार गेंदे बची है 45 रनों का टारगेट है चार वाइड बॉल इस ओवर में आ चुके हैं स्कोर पहुंचा है 8 रन एक बाउंड्री और चार अतिरिक्त रन अभी भी दो गेंदें बची हैं 12 रन बन चुके हैं सम्मान दे रहे गेंद को 13 रन बगैर किसी नुकसान के तो सीएसके वन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट यानी सीएसके टीम ने अगले मैच में टॉस जीता है फील्डिंग करने का फैसला किया है और नईमान एक इस टीम को बल्लेबाजी ने निमंत्रण दिया है इस ओवर का ये आखिरी इतना लंबा
लंबा ओवर 45 का टारगेट है, 17 रन पहले ही ओवर में है, बोर्ड पे लटक चुके हैं। यहाँ से पूरी तरह से फिसलता हुआ यहाँ पे वापसी करने के लिए विकेट निकालने का प्रयास करना। आप गेंदबाजी में बदलाव आकाश टीम की तरफ से नंबर दो पर गेंदबाजी करेंगे और व्यक्तिगत कर लेंगे। जैसे ही विकेट गिरा विनेट का, वैसे ही तंबू में थोड़ी सी चिलचिलाहट देखने को मिली। क्रिकेट का रोमांच यही होता है, कोई भी जीते लेकिन रोमांच बरकरार रहना चाहिए। अब नए बल्लेबाज आ चुके शशांक अमित किसान को बरकरार रखने के लिए। पहले गेंद पर विकेट गिरा, दूसरी गेंद डॉट निकाली, यही होता है क्रिकेट में। अगर एक ओवर अगर आप बढ़िया गेंदबाजी करोगे मैच में आपकी वापसी हो जाती है, लेकिन ये लोग खराब गेंदबाजी करोगे मैच से आप थोड़े से दूर चले जाते हैं। रन मिला है, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन एक विकेट के नुकसान पर, 18 रन एक विकेट के नुकसान पर मंजिल है 45 रनों की, अभी भी 47 रनों की आवश्यकता। ऑप्शन से काफी बाहर, दिशा से भटकी हुई गेंद, वाइट बॉल का कवर, क्या वाइट प्लस है क्या? रन मिलेगा इस एक रन के साथ 19 रन, अभी भी 26 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। कमाल की गेंदबाजी अब तक कारगर गेंदबाजी साबित होते हैं। उन्नीस रन मन चुकी, अभी भी इस ओवर की दो गेंदे बची है। ये जज कर पा रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि मैच बहुत खुशहाल मूवमेंट पर जा चुका है। और शशांक ये तो बल्लेबाज क्रीज पर है, अमित के रूप में एक और विकेट पहला विकेट गिरा है। टीम के सहयोगी खिलाड़ी है भाई, ये तीन बोल की रुकावट क्यों आई है भाई? रिप्लाई देखा जा रहा है, यानी डीआरएस का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या भाई? अंडर क्रिकेट में अगर डीआरएस का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होगा और बहुत जरूरी भी है। डीआरएस लिया इसलिए है क्योंकि आप आपके मन में जब दुविधा हो तो आप तीसरे अंपायर की तरफ रुख कर सकते हो, ये जरूरी होता है। जब दिक्कतें होती हैं तो तीसरे अंपायर किस लिए रखा जाता है? जब वो न्यायपालिका फैसला नहीं कर पाती है तो चलिए उच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए। चार गेंदें हो चुकी है, दो गेंदें अभी विशेष बची है। विनेट के समर्थक खिलाड़ी प्लीज प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने जो खिलाड़ी पूजा करके थोड़ा सा आती है या तो नीचे बैठ जाइए। खिलाड़ी का इस्तेमाल किया है रिजर्व में, गेंद के लिए एक रन मिलेगा। स्कोर इस एक रन के साथ 20 रन, 25 रनों की अभी भी आवश्यकता। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, चार रन मिलते हैं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 24, यानी 12 रन प्रति ओवर के अवसर से रन मिले हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है, 12 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। मैं गुजारिश करना चाहूंगा पवनदीप धन्यवाद इनसे, और दिपेश जी माधव जी का सम्मान करें प्रेम का प्रतीक पुष्प गुच्छ देकर। कबक करने के कट्टर समर्थक है और एक अच्छे खिलाड़ी भी है, कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आने का उन्होंने कष्ट किया। यूबीसीएल के माध्यम से आपका मैंने चलिए गेंदबाज का नाम बताइए, गेंदबाज का नाम बताइए।
तो सबके मुस्ताक की तरह गेंदबाजी डाल रहे हैं। पाटा पीक पर अगर आप टर्न करवाओगे तो मतलब आपके कलाई में बहुत जादू है, यही रणनीति होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स के सामने जो दर्शक है गंदा जनादेश से गुजारी से थोड़ा सा साइड हो जाइए। 10 गेंदों में चाहिए 17 रन। बढ़िया गेंदबाजी, पैरों पे गेंद लगी है, प्लेयर के रूप में एक रन मिलेगा। 16 रनों की अभी भी आवश्यकता, 9 गेंदे 16 रन, एक बाउंड्री से काम चलेगा। लेकिन यहाँ पर विकेट मैच में वापसी हो सकती है एटीआर की टीम की। लेकिन विकेट कीपर की तारीफ करना चाहूंगा, जितनी चतुराई से गेंद को पकड़ा उतनी ही चतुराई से स्टंप आउट की कमाने का प्रयास किया। भाग्यशाली जो है तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन में दुविधा हो तो ही अंपायर में डालने का प्रयास। एक रन मिलेगा, गेंदबाजी हो रही है। 30 रन, 15 रनों की अभी भी आवश्यकता। 7 गेंदों में चले 15 रन, कहां से मुकाबला कहां चला गया। इसे कहते हैं क्रिकेट इज द गेम ऑफ द चांस। ये खेल बड़ा अनोखा है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। यहाँ पर चाहिए करने का, लेकिन फिर भी हाथ से विकेट कीपर में एक रन मिलेगा। 31 अभी भी 14 रन की आवश्यकता। आखिरी 6 गेंदे और 6 गेंदों में चाहिए 14 रन। बहुत जबरदस्त मुकाबला, गेंदबाजी में तब्दीली। अयप्पा टीम की तरफ से नंबर 4 पर और आखिरी ओवर व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर। प्रदर्शन में सुधार लाते हैं। डॉट बॉल 5 गेंदों में चले 14 रन। दोनों टीमों के समर्थक अपना पूरा मनोरंजन लेते हुए, और ये जरूरी है कोई भी जीते जरूरी है। 4 गेंदों में चाहिए 14 रन। कहां से कहां मुकाबला चला गया, एकदम मौसम के मिजाज की तरह इस मैच का रंग बदलता हुआ। 4 गेंदों में चाहिए 14 रन, 2 गेंदों में 14 रन थे, 2 गेंदे डॉट निकले। गेंदबाजी या फील्डिंग करने का फैसला किया है। मेरे साथ आवाज में होगा बदलाव, आगे का आते देखा मेरे सहयोगी परम